विंटर शुरू होने से पहले आप सारे कमरों के हीटर्स को चेक कर ले चला के। विंटर्स के लिए स्पेसिफिकली अलग टायर्स डलवाए जाते हैं ताकि वो सड़क पर ना ग्रिप बना के चले और आप विंटर के लिए सेफ हो जाए। सर्दियां शुरू होने वाली है, लगभग हो ही गई है, तो भाई ग्लू वाइन का स्टॉक कर ले। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आपके हालचाल। मैं हूं खुशी और स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। मैं जर्मनी के बारे में वीडियो बनाती हूं। देखिए, यहां पर पेड़ों पर से पत्ते झड़ चुके हैं, डेलाइट सेविंग शुरू हो चुकी है और दिन छोटे होने लगे हैं। इसका मतलब कि सर्दी आ चुकी है और जर्मनी की विंटर्स ना काफी कड़क होती है। तो अगर आप जर्मनी में हैं या जर्मनी आने वाले हैं तो आपको विंटर रेडी होना ही पड़ेगा जर्मनी के लिए, क्योंकि यार सर्दियां बहुत ज्यादा पड़ती है, बहुत ठंड पड़ती है। तो आपको सर्दियों की तैयारियां भी पूरी तरह से करके रखनी पड़ेगी ताकि आप ठंड से बचे रहे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अगर आप जर्मनी में हैं तो विंटर रेडी हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए ना शुरू करते हैं। अगर आप विंटर रेडी होना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले तो इन्वेस्ट कीजिए एक बहुत ही वार्म जैकेट में, क्योंकि अगर आप जैकेट खरीदते हैं या फिर ओवरकोट खरीदते हैं, वार्म ओवरकोट, तो भले ही वो महंगा आएगा लेकिन बिलीव मी पूरी सर्दियां ना आपकी एकदम आरामदायक हो जाएगी। एक जर्मन सेइंग है कि देयर इज नो गुड एंड बैड वेदर बट देयर आर बैड क्लोथ्स। तो अगर आप सर्दियों के लिए तैयार होना चाहते हैं तो प्लीज एक वार्म कोट खरीद लीजिए। और मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि अगर आप अपनी होम कंट्री से आ रहे हैं, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उस तरफ से अगर आ रहे हैं ना, तो प्लीज वहां से वार्म जैकेट बिल्कुल मत लाइएगा। एक तो वो भारी हो जाएगी और वो यहाँ की ठंड में ना काम नहीं आएगी। तो जर्मनी में आकर ही वार्म जैकेट या वार्म कोट खरीदे, क्योंकि वो वार्म जैकेट या वार्म कोट ही जर्मनी की ठंड को भगाने में पूरी तरह से कारगर साबित होंगे। तो अगर इंडिया से आ रहे हैं ना, तो प्लीज जैकेट मत लाइएगा, नॉर्मल जैकेट ला सकते हैं, बट जर्मनी की ठंड को भगाने के लिए तो आपको जैकेट यही से खरीदनी पड़ेगी। और एक वार्म जैकेट खरीदिए ताकि आपकी आने वाली ठंड और आने वाली कई सालों तक की ठंड ना काफी आराम से निकल जाए। इसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जर्मनी की ठंड की तैयारी करने में, वो है शूज। आपको यहाँ पर विंटर बूट्स खरीदने होंगे, और स्पेशली यहाँ पे जब आप विंटर बूट्स खरीदेंगे तो उनके अंदर एक फ्लीस होती है, यानी कि एक लेयर होती है कॉटन की, एक वार्म लेयर होती है जो आपके पैरों को पूरी तरह से वार्म रखती है, क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको स्नो बूट्स खरीदने ही पड़ेंगे ताकि जब आप स्नो में चले ना तो आपके पैर अंदर से जम ना जाए। इसीलिए एक अच्छे स्नो बूट्स खरीदिए जिससे आपकी चलते वक्त ग्रिप भी अच्छी होगी और आप स्नो पर ना फिसलेंगे नहीं और ना ही आपको ठंड लगेगी और आपके पैर ना एकदम जकड़ जाएंगे। तो स्नो बूट्स, एक अच्छे शूज़ खरीदने में पैसे ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ना स्पेंडिंग नहीं होगी, यहाँ पर होगा इन्वेस्टमेंट। आप एक अच्छे शूज़ खरीद कर इन्वेस्ट करेंगे अपनी आने वाली ठंड में, और क्योंकि यार आप बाहर जाओगे तो आपको अच्छे शूज़ की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, इसीलिए विंटर बूट्स तो यहाँ पर आपको ज़रूर खरीदने पड़ेंगे और सर्दियाँ शुरू होने से पहले ही खरीद लीजिए। और अगर आप आने वाले टाइम में जर्मनी आने वाले हैं ना, तो भाई ऑफ सीजन में विंटर बूट्स खरीद के रख लेना और विंटर जैकेट्स भी जो वार्म होंगी, तो आपको हो सकता है थोड़ी सेल पे मिल जाए, थोड़ी सस्ती सी, और आपके नेक्स्ट विंटर्स में पूरी तरह से काम आ जाएगी। लेकिन अगर आप इस सर्दियों में यहाँ पर है तो भाई विंटर बूट्स में प्लीज़ इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपकी ठंड आराम से कटे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ यू आर गेटिंग रेडी फॉर जर्मन विंटर्स, तो अगर आपके पास गाड़ी है ना, तो जर्मनी में आपको विंटर टायर्स बदलवाने पड़ेंगे। तो यानी कि जब यहाँ पर सर्दियाँ आने वाली होती है तो स्नो के अकॉर्डिंगली, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली गाड़ी के टायर्स को चेंज करवाना पड़ता है। तो यहाँ पर विंटर्स में अलग टायर होते हैं और समर्स में अलग टायर होते हैं, तो आप उन टायर्स को खरीद सकते हैं पूरे के पूरा, या फिर आप रिम के अलावा खरीद सकते हैं, तो सिर्फ टायर, तो उसकी कॉस्ट सस्ती पड़ेगी। अगर आप पूरे नए खरीदते हैं तो ऑफकोर्स वो उसकी कॉस्ट महंगी पड़ेगी, तो लगभग 1,000 यूरो पड़ जाते हैं विंटर टायर्स के। लेकिन वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आप एक बार खरीदेंगे फिर आपको एवरी 6 मंथ्स में उन्हें चेंज करवाना पड़ेगा। तो अगर सर्दियों की तैयारी कर रहे हैं तो भैया अपनी गाड़ी को भी विंटर रेडी कर लेना और टायर्स बदलवा लेना। देखिए, जर्मनी में ना स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है, तो सड़क पर जो आपकी गाड़ी है वो ग्रिप बना के चले, और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसीलिए टायर्स को चेंज किया जाता है, क्योंकि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो अगर विंटर्स में, क्योंकि स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है, तो टायर्स ना स्लिपरी हो सकते हैं, जिसकी वजह से टायर्स चेंज करवाने की ज़रूरत है। अब आप कहेंगे कि विंटर टायर्स को समर्स में भी चला सकते हैं, तो विंटर टायर्स की वजह से ना आपकी गाड़ी की एवरेज कम होती है, इसीलिए समर टायर अलग डलते हैं, जो कि नॉर्मल टायर होते हैं, जैसे कि आपको हर जगह पर हमारी इंडिया में मिलते हैं, वो नॉर्मल टायर्स होते हैं, और विंटर
हीटर्स के लिए स्पेसिफिकली अलग टायर्स डलवाए जाते हैं ताकि वो सड़क पर ना ग्रिप बना के चले और आप विंटर के लिए सेफ हो जाए। एक और तरीका है जिससे आप विंटर रेडी हो सकते हैं, ग्लू वाइन। जर्मनी में ना ग्लू वाइन बहुत ज़्यादा फेमस है और ये आपको सर्दियों में गर्म रखता है। तो मेरा एक सजेशन है कि सर्दियाँ शुरू होने वाली है, लगभग हो ही गई है, तो भाई ग्लू वाइन का स्टॉक कर ले ताकि आपको ठंड में थोड़ा सा आराम मिल सके। और एक और बात है कि ग्लू वाइन ना क्रिसमस के बाद मिलनी बंद हो जाती है, लेकिन ठंड तो भाई यहाँ पे फरवरी मार्च तक भी पड़ती है। तो आई वुड से कि ग्लू वाइन का स्टॉक रख ले ताकि आपको सर्दी में गर्मी का एहसास होता रहे। एक तरीके से आपको और तैयार होने की जरूरत है जर्मनी के सर्दियों को लेकर। जर्मनी में ना आम तौर पर घरों में सेंट्रल हीटिंग होती है, तो जो पानी है वो भी ऑटोमेटिकली गर्म हो जाता है। और अपने घर में मतलब हर रूम्स के अंदर बेसिकली इस तरीके के हीटर होते हैं जिन्हें आप इन वाले थर्मोस्टैट से घुमा के, लाइक इसमें नंबर होता है 1, 2, 3, 4, 5, और आप उसे घुमा कर अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। तो सर्दियाँ शुरू होने से पहले ये मेक श्योर कर लेना चाहिए कि आपके जो हीटर्स हैं ना वो सही तरीके से काम कर रहे हैं। जर्मनी में ये बहुत कॉमन है कि जो सेंट्रल हीटिंग है ना वो पीछे से बंद कर दी जाती है जैसे ही समर शुरू हो जाती है, और अक्टूबर के शुरू होने से पहले ही सेंट्रल हीटिंग को खोल दिया जाता है। तो अगर आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं ना, तो जो हाउस मिस्टर होता है या फिर जो प्रॉपर्टी मेंटेनेंस के जिसकी जिम्मेदारी होती है वो ये मेक श्योर करता है कि सेंट्रल हीटिंग को खोल दिया जाए ताकि सबके घरों में ये हीटिंग काम कर ली जाए। आमतौर पर ये जो थर्मोस्टैट होता है ये 0 to 5 होता है, तो ये 0 to 5 का मतलब ये नहीं है कि वो हीट उतनी तेज निकलेगी, बल्कि ये टेम्परेचर सेट करने के लिए। तो ये एक अच्छा आइडिया है कि विंटर शुरू होने से पहले आप सारे कमरों के हीटर्स को चेक कर ले चला के कि वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, क्योंकि समटाइम्स ना वाटर ट्रैप्ड हो जाता है इसके अंदर से, प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट नहीं कर पाता जिसकी वजह से हीटर्स काम करना बंद कर जाते हैं। और इस केस में आप अपने हाउस मिस्टर या जो भी आपका प्रॉपर्टी मैनेज कर रहा है उसको बुलाकर चेक करा सकते हैं कि आपके हीटर काम क्यों नहीं कर रहे। तो सर्दी में सिकुड़ने से बेहतर है कि पहले ही आप ये चेक कर ले कि आपके हीटर काम कर रहे हैं क्या नहीं। जर्मन हीटर जो है ना मतलब आपका घर तुरंत गर्म नहीं कर देंगे अगर वो हीटिंग जो है वो 5 पर कर देंगे, वो मतलब अपने ही तरीके से धीरे 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 करके ही घर को गर्म करेंगे। तो एडवाइजेबल है कि अगर आप घर के बाहर जाते हैं तो जो टेम्परेचर है उसे लोएस्ट पे यानी कि 1 या 2 पर बेसिकली करके जाए, ताकि जब आप ठंड से बाहर की कड़कती ठंड से जब आप घर में आए तो घर आपको नॉर्मल टेम्परेचर पे मिले, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, क्योंकि यार ठंडा गर्म होकर आप बीमार भी पड़ सकते हो। तो लोएस्ट पे आप सेट कर सकते हैं, मीन्स 1 or 2। और दिन में ये सजेस्ट किया जाता है कि आप जो टेम्परेचर है या फिर जो नॉब है वो 3 पर करके रखें, ताकि पूरा दिन आपका घर ना नॉर्मल वार्म रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रहेगा, ठंडा नहीं रहेगा, नॉर्मल वार्म रहेगा, जिससे आपको ठंड का एहसास नहीं होगा और आप घर में नॉर्मली घूम सकते हैं। अब देखिए एक और बात है कि अगर आप कोई कमरा अपने घर का यूज़ नहीं कर रहे तो क्या आपको हीटर ऑन करने की ज़रूरत है? तो इसका सवाल का जवाब है हाँ। अगर आप घर का कोई हिस्सा इस्तेमाल नहीं भी कर रहे हैं या कोई कमरा इस्तेमाल नहीं भी कर रहे हैं तो ये एडवाइजेबल है कि उस कमरे की हीटिंग भी चेक कर ले सर्दी आने से पहले, क्योंकि आपको हर कमरे के हीटर्स को चालू रखना चाहिए सर्दियों में, चाहे आप वो कमरा इस्तेमाल करें या ना करें। अगर आप ऐसा नहीं करते ना तो आपकी दीवारों में ना वो काले काले से मोल्ड्स आ जाते हैं जो कि अच्छा नहीं है। इसीलिए घर में, पूरे घर में आपको हीटिंग ऑन करके रखनी चाहिए, चाहे आप घर का कोई हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं कर रहे। टेम्परेचर आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो, लेकिन ये एडवाइजेबल है कि भाई हीटिंग को आप ऑन रखें। अमूमन 2-3 पर आप रख सकते हैं हीटिंग, और अगर कहीं बाहर जाते हैं तो 1 पर सेट करके जा सकते हैं ताकि जब घर में आए तो आपको घर थोड़ा सा कोजी और वार्म मिले। एक और तरीका है जिससे आप जर्मनी के लिए विंटर रेडी हो सकते हैं, वो है कि अपने विटामिन डी को ऊपर रखें। अब आप बहुत सारे सुपर स्टोर जाकर भी विटामिन डी के टैबलेट्स ले सकते हैं या फिर डॉक्टर के पास जाकर भी विटामिन डी प्रिस्क्राइब करा सकते हैं और वो सब्स्टिट्यूट लेकर आप अपने विटामिन डी को ऊपर रख सकते हैं। देखिए जर्मनी में ना सर्दियों में जो सूरज देवता है ना बहुत लुका छुपी खेलते हैं, निकलते ही नहीं है बाहर। तो अगर आप अच्छे जैकेट और वार्म शूज़ लेंगे यानी कि विंटर बूट्स लेंगे और आपके पास एक वार्म जैकेट होगी विंटर्स के लिए, तो जैसे ही सन निकलेगा आप बाहर जाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर्दियों में कि अगर सन निकलता है, वैसे सन बहुत कम निकलता है, दिन बहुत छोटे होते हैं, लेकिन अगर सन निकलता है तो प्लीज़ गो आउट और जितना ज़्यादा हो सके एक वॉक लेकर आइए एंड सन को अब्सॉर्ब कीजिए जितना ज़्यादा से
ज़्यादा हो सकता है। इससे विंटर के लिए आप तैयार तो हो ही पाएंगे, आपका विटामिन डी अप रहेगा, दूसरा आप विंटर डिप्रेशन के शिकार भी नहीं होंगे। तो आपको अच्छे बूट्स और जैकेट खरीदने की ज़रूरत इसीलिए भी है ताकि जब सर्दियाँ हो तो आप घर में सिकुड़ के ना रहे, क्योंकि देखिए वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चल चुका है। लोग सोचेंगे कि क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है तो क्यों वार्म जैकेट और विंटर बूट्स में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना तो फिर आप घर में सिकुड़ के रह जाएंगे। लेकिन जब भी सन आता है तो सन आने का मतलब ये नहीं है कि बाहर गर्म वेदर हो जाएगा, सन आने का मतलब ये है कि आप सन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो आप जब भी यहाँ पर सन निकले तो प्लीज़ गो आउट, वॉक लीजिए ताकि आपका विटामिन डी अप रहे। उससे ना सिर्फ आप विंटर डिप्रेशन से बच पाएंगे बल्कि आप ना काफ़ी एक्टिव भी रहेंगे। जर्मनी में प्रैक्टिकलिटी को फैशन के ऊपर रखा जाता है। यहाँ पर आपको सैटरडे नाइट्स में बहुत सारे लोग मतलब सैटरडे ड्रेसेस में नहीं दिखेंगे बल्कि वार्म जैकेट, विंटर बूट्स और फ्लीस लेगिंग्स में दिखेंगे, जिससे वो ना सर्दी से बच सके। तो भाई सर्दी से बचने के लिए आपको तैयारियां तो शुरू कर देनी ही चाहिए। देखिए एक और ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है विंटर्स की तैयारी करने में, वो है वेंटिलेशन। देखिए जब क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर हो, बहुत ठंड हो, तो आपका मन करेगा यार खिड़की क्यों खोलनी है, ठंड है, घर में आ जाएगी, ठंड लग जाएगी। लेकिन भाई इस इंस्टिंक्ट को ना थोड़ा परे करके रखिए, क्योंकि अगर आप घर नहीं खोलेंगे ना तो फिर हो सकता है आपके घर में से ना एक अजीब सी स्मेल आने लगे। तो वेंटिलेशन करना भी बहुत ज़रूरी है, थोड़े वक्त के लिए, चाहे पूरे दिन में, लाइक 24 घंटे में आप 10, 15, 20 मिनट्स के लिए ही विंडोज़ को खोल के रखें घर की, ताकि जो फ्रेश एयर है बाहर की वो घर के अंदर आ सके और आपका घर यू नो फ्रेश रहे पूरा टाइम। अगर आप विंडोज़ और गेट्स नहीं खोलेंगे, वेंटिलेट नहीं करेंगे घर को प्रॉपरली, तो आपके घर में से एक बहुत ही अजीब तरीके की स्मेल आएगी जो आई एम श्योर आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे। देखिए वेंटिलेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी रूम की विंडो पूरे टाइम के लिए खुली छोड़ दें थोड़ा टिल्ट करके, ऐसा नहीं है। उससे भी घर में मोल्स आ सकते हैं, घर का एक हिस्सा गर्म रहेगा और एक हिस्सा ठंडा। लेकिन आप पूरे दिन में लाइक 5-10 मिनट्स के लिए सारी खिड़कियां खोल सकते हैं ताकि आपका घर पूरी तरह से फ्रेश हो जाए। उस वक्त आप थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं चाहे तो बाहर, या फिर घर में आप स्वेटर पहन के बैठ सकते हैं। लेकिन घर को फ्रेश करना, पूरे घर को फ्रेश करना, हर एक हिस्सा, लाइक फिर चाहे वो वॉशरूम हो, एटिक हो, कोई भी हिस्सा हो, सारे घर को वेंटिलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सर्दियां शुरू होने से पहले ये सारे काम जरूर कर लीजिए अगर आप जर्मनी में हैं या जर्मनी आने वाले हैं तो, क्योंकि यहाँ की ठंड भाई बड़ी खतरनाक होती है। तो तैयारियां पहले से करके रखने में ही समझदारी है। अगर आप किसी को जानते हैं जो जर्मनी में रहता है या जो जर्मनी आने वाला है इस ठंड के मौसम में, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो और प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो। कुछ और जानना चाहते हैं जर्मनी के बारे में तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिए। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियां फैलाते रहिए। चाओ।